नमस्कार, नजरभर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज़ैनब। आई देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर से प्रारंभ हुई यात्रा को आज आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बेहट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मार्ग में विलम्ब होने के कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद मुजफ्फराबाद पहुँचे और यात्रा में शामिल हुए। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सतीश शर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव गण धीरज गुर्जर, तौकीर आलम, इमरान मसूद, विधायक गण नरेश सैनी व मसूद अख्तर आदि मौजूद रहे। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से करोड़ों लोगों तक जाकर अपने वादों को जनता के बीच प्रतिज्ञा के रूप में पूरा करने का वचन देगी। आचार्य जी ने कहा कि हम अपनी इन प्रतिज्ञाओं को निभाने का विश्वास जनता को दिलाएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश में एक जनप्रिय वे जनहित वाली सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं, किसानों, युवाओं वे समाज के हर वर्ग के नागरिकों के लिए जो संघर्ष का शंखनाद किया है, वे उसकी सफलता के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का जनमानस अब मान चुका है कि कांग्रेस ही भाजपा का एकमात्र विकल्प है। NBD से इफ्तखार हुसैन जैदी की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपके शेयर को मेरा मूड बदल दिया। मैं एक शेर नजर करना चाहता हूँ इमरान मियां के, और आप सबकी नजर भी कर रहा हूँ कि इश्क इश्क उनको अता नहीं होता। इश्क उनको, मीम अफजल साहब, इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। हालात बड़े खराब हैं, लेकिन मायूसी कुफ्र है। मुझे यकीन है कि ये हालात बदलेंगे, कि शबे गम के सीने से कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी ने जो ये संकल्प लिया है, जो ये अहद लिया है, जो ये प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा में शक्ति देना, उसको ताकत देना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाथ खड़े करके मुझे आप सब इस बात का यकीन दिलाओ कि आप प्रियंका गांधी के हाथ को मजबूत करेंगे। जोरदार तरीके से मुट्ठी बंद करके नारा लगाइएगा कि इनको जिंदा। मेरे दोस्तों, आपकी इस हिम्मत को मैं दाद देता हूं। मैं एक बहुत ही पवित्र कार्य की शुरुआत कर रहा हूं। जो काम आवाम से जुड़ा होता है, जो काम जनता से जुड़ा होता है, जो काम मुल्क के मुस्तकबिल से जुड़ा होता है, जो राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा होता है, वो काम पवित्र होता है, वो नेक होता है, और उसे नेक नियत से करना चाहिए। आज एक यात्रा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि ये प्रतिज्ञा यात्रा इस उत्तर प्रदेश की परिवर्तन यात्रा बन के रहेगी, परिवर्तन यात्रा बनेगी। आज हम लोग सहारनपुर, बनारस और बाराबंकी वाली यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। गोरखपुर वाली जो हमारी यात्रा, वो हमारी रैली जो होगी उसके बाद से चालू होगी। इन यात्राओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उत्तर प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो प्रियंका गांधी जी 7 प्रतिज्ञाएं घोषणा करने वाली है अभी, उन 7 प्रतिज्ञाओं को लेकर हमारे वरिष्ठ नेतागण हर ब्लॉक में, हर विधानसभा के अंदर जाएंगे, वहाँ पर लोगों से मुलाकात होंगे, रूबरू होंगे और उन्हें संकल्प बताएंगे कि किस तरह से महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, किस तरह से छात्र छात्राओं के लिए, किस तरह से किसानों के लिए, किसी तरह से आम गरीब आदमी के लिए, तमाम मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों से जो वादे कर रही है, वो वादे नहीं बल्कि प्रतिज्ञाएं हैं जिन्हें प्रियंका गांधी हर कीमत पर पूरी करेगी। सरकार में बदलाव होगा कुछ निश्चित रूप से, आप मानकर चलिए इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का संकल्प और कांग्रेस विकल्प। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से आदरणीय प्रियंका गांधी जी इस प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत कर रही हैं।
और बेहट की इस पावन भूमि पर, गंगा जमुनी तहजीब की इस धरती पर, माँ शाकंभरी की इस धरती पर, कलियर शरीफ की इस धरती पर मैं आपके बीच में इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का संकल्प लेते हुए इस यात्रा का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मीम अफजल साहब से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आपको लगता है